हेलो माय डियर फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेटिंग सरिता देखें आज मैं इस वीडियो में छोटे बच्चे का एक सॉक्स कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ इस वीडियो में ये देखिए इस ये सॉक्स जीरो से ती, एक साल के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगा इस तरह से बनाने में बहुत ईजी है ये देखिए ये इस तरह से है इसको हम फोल्ड करेंगे ये देखिए फ्रेंड बहुत ईजी है इसमें बहुत काम ऊन लगता है और बहुत आधे घंटे में आप दोनों सॉक्स को बना सकते हैं एक इसका बैक साइड है ये देखिए एक सॉक्स मैंने बना दिया है एक मैं बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है इसको कोई भी आसानी से इसको बना सकते हैं पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होगा चले बनाते हैं कैसे बनाना है इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने थर्टी एट स्टिच ले रखे हैं यानी और फंदे फंदे डाल रखे हैं अब देखिए फर्स्ट सिलाई में स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट सिलाई में सीधा सीधा बनाऊंगी इस तरह से सारे फंदे मैं सीधे सीधे ले लूंगी जो लास्ट स्टिच है उसको हम उल्टा बना लेंगे हर बार लास्ट स्टिच उल्टा बनाएंगे और जो फर्स्ट स्टिच है उसको हम सीधा बनाएंगे अब सीधे साइड को हुआ अभी ये देखिए एक लाइन हो गया ऐसे ही अब हम सीधे साइड को भी सीधा सीधा बनाएंगे सारे फंदों को हम दोनों साइड को सीधे सीधे बनाएंगे और लास्ट स्टिच उल्टा बना देंगे इसी तरह हमारा जैसे उल्टे लाइन आते हैं वो इस तरह से आएंगे लास्ट स्टिच इस तरह से उल्टा बना देंगे सीधे साइड भी हमने सीधे सीधे फंदे निकाल दिए और उल्टे साइड को भी सीधे सीधे फंदे निकालने हैं हमें ये देखिए फ्रेंड एक लाइन बन गया ये देखिए इस तरह से जो लाइन है ये इस तरह से ऐसी हमें ट्वेल्व लाइन करनी है दोनों साइड्स को सीधे सीधे बनाएंगे और मैं ट्वेल्व लाइन ऐसे ही बनाती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें ट्वेल्व लाइन कर लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व अब हम दूसरा कलर यूज करेंगे मैंने वाइट कलर कनेक्ट कर लिया अब देखिए सीधे साइड को हूँ अब वाइट कलर से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से सीधे हम सीधे सीधे फंदे बनाएंगे बारह दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे हमने सीधे बना दिए अब देखिए हम यहीं से रन हो जाएंगे और इन्हीं बारह फंदों को बैक साइड से भी हम सीधे सीधे बनाएंगे बैक साइड से भी सीधे सीधे बनाने और लास्ट स्टिच उल्टा बनाएंगे हमेशा ही जैसे हमने दो लाइन बना दिए यानी एक सीधे या एक उल्टे साइड से बारह फंदों को उसी तरह एक और एक लाइन ऐसे यानी दो सिलाई और बनाएंगे बारह फंदों को सीधे यहां और सीधे बैक साइड को केवल बारह फंदों को एक लाइन और बनाते हैं ये देखिए फ्रेंड दो लाइन हमने व्हाइट के कर दिए बारह फंदे यानी चार सिलाई हो गए अब हम ये बेस कलर यूज करेंगे सीधे साइड को है जब हम बेस कलर यूज कर रहे हैं सारे फंदों को जितने भी हैं पूरे सिलाई में हम सीधे सीधे बनाएंगे बारह हो गए अब देखिए यहाँ पे होल ना दिखे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से आप यू इसको ले लें ऐसे ये देखिए और इन दोनों को एक साथ हम ऐसे ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे होल नहीं रहेगा अब इस पूरे सिलाई को हम सीधे सीधे बनाएंगे ऑरेंज कलर से इस तरह से ये लाइन हमने कर लिया और बैक साइड को है तो बैक साइड को भी सीधे सीधे हम इस कलर से ये रो कंप्लीट करेंगे ऑरेंज वाला हमने दो लाइन कर लिया ये देखिए एक सीधे साइड से एक बैक साइड से अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे जब हम व्हाइट कलर का कर रहे हैं बारह फंदों को करेंगे इसी तरह से चार सिलाई फिर उसके बाद दो सिलाई ऑरेंज कलर करेंगे ये व्हाइट हमें एक बना दिया पांच और बनाने हैं इस तरह से ये देखिए फ्रेंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः बनाने हैं टोटल जब हम ऑरेंज कलर कर रहे हैं तो पूरा सिलाई हम बुनाई करेंगे व्हाइट कर रहे हैं तो हम बारह फंदों को बुनेंगे चार सिलाई और ये दो सलाई इसी तरह मैं छह आपको बना के दिखाती हूँ एक बन के पांच और बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है इसमें मैंने सिक्स ऐसे वाइट लाइन कर लिए हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो फ्रेंड अगर आप डेढ़ साल या दो साल के बच्चे के लिए बढ़ाना चाहते हैं सॉक्स तो इस ये जो व्हाइट लाइन है उनको दो या तीन और बढ़ा लें तो आप बड़ा बना सकते हैं और यहाँ भी अगर दो साल से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी ज्यादा फंदे आप बढ़ा लें अब देखिए आगे क्या करना है अब हमें सिंपल से जैसे यहाँ हमने ट्वेल्व लाइन किए हैं वैसे ही यहाँ भी ट्वेल्फ लाइन करेंगे एक लाइन ऑलरेडी हो गया इलेवन लाइन और ऐसे ही करूंगी मैं हमें दोनों साइड को सीधा सीधा बुनना है ऑरेंज कलर से वाइट कलर अब मैं कट कर दूंगी इसी कलर से ट्वेल्व लाइन टोटल में बनाती हूँ मैंने ट्वेल्व लाइन कर लिए। इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन सारे फंदों को बंद कर देंगे सीधे साइड को हूँ मैं भी इस तरह से हम सारे फंदों को ये बैक साइड से सीधे करेंगे और एक एक करके ये हम इसमें डाल के इस तरह से सारे फंदों को बंद कर देंगे इसको हमने बंद कर लिया और इतना धागा हमने यहीं पे छोड़ दिया है सुई डाल के अब हम इन इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से हम इसको उल्टा ऐसे मोड़ लेंगे और देखिए यहाँ से मिलाते हुए ये हम पहले सिल लेंगे फिर इसको सिल लेंगे चलिए सिलाई करते हैं फिर मैं दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है इसको मैंने सिल लिया है ये यह, यहाँ से इस साइड को अब मैं सीधा करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कैसा बना ये देखिए फ्रेंड इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से हमारे दोनों सॉक्स बहुत ही प्यारे बन के रेडी हो गए आप इन सॉक्स को यकीन माने मैंने इन दोनों को आधे घंटे में बना दिया ये बहुत कम ऊन लगा इसमें इस तरह से हमारे दोनों सॉक्स बन गए ये देखिए ये खी ऐसे स्ट्रेचेबल भी है और एक साल तक के बच्चे को आराम से आ सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी से लेके कर एक साल तक के बच्चे को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये बढ़ा दीजिए रेड जो वाइट कर रखे और यहाँ पर भी ये फंदे नहीं भी बढ़ाते तो ये इतना बड़ा है ऐसे फोल्ड करने से यूँ आता है चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आपको मेरा ये सॉक्स कैसे लगे जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो मेरे वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचे थैंक्स फॉर वॉचिंग